यार चलो। तो अरे बच्चों, क्या है कि 11th क्लास का लगभग देखो तो वेक्टर मैंने अच्छे से लिया, यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने अच्छे से करवाया, बच्चों को समझ में भी आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आया। अब सुनना, अब देखो तो दो चैप्टर फिजिक्स में ऐसा है जो बिल्कुल ही अगर तुम्हें नहीं आएगा तो आगे आने वाला फिजिक्स का सिलेबस और लेंदी होता जाएगा। एक तो 1D 2D, 1D मोशन 2D मोशन, और ये एक आज का चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सिंपल सा बात है, आज का जो चैप्टर है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है जो स्टार्ट होने जा रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो प्यारे बच्चों, क्या है, अगर ये चैप्टर तुम्हारा अच्छा हो गया तो कभी भी फिजिक्स तुम्हें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ये बात दिमाग में रख लेना कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारे फिजिक्स के बेसिक को बनाता है, ठीक है। अगर ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया फिर तुम्हें फिजिक्स में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में NLM, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, NLM। तो सिंपल सा बात है, NLM का वैसे तो मैं ऑफलाइन कम से कम 1 घंटे का लेक्चर का 25 लेक्चर मैं लेता हूँ लगभग, लेकिन ऑनलाइन की बात है, ऑनलाइन में 16 से 17 लेक्चर में मैं ये कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब क्यों, उसका रीजन क्या है, देखो ऑफलाइन में थोड़ा सा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, बातचीत भी होता है, करते हैं, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन तो कोई बच्चा होता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें ही इमेजनरी मान के मैं तुम्हें लेक्चर ये पढ़ाऊंगा, सिंपल से बात है। तो देखो न्यूटन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो प्यारे बच्चों, क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले दो तीन बातें हम करेंगे। जो बात है, फर्स्ट जो बात है वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है, सभी को आता है कि पुल और पुश, वो क्या होता है सर, फोर्स होता है, ठीक है। देखो 11th में कभी भी फोर्स का डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखने को नहीं आएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखने को नहीं आएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कंजर्वेशन और मोमेंटम आता है लिखने को, ठीक है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है क्या। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, फोर्स पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। तुम्हें पता है कि SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है सर वो न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। और इसको मैं एक चीज और बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम्हें याद है तो 9th में याद किया होगा, फोर्स इक्वल टू ma, m क्या होता है मास, kg एक्सलेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी यूनिट हो सकता है, सिंपल सा बात है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसा होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स वो क्या होता है, डायन होता है, क्या होता है, डायन, जो सीजीएस में होता है मतलब ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में जहां kg वहां ग्राम, जहां मीटर वहां सेंटीमीटर, है ना, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सिंपल सा बात है। क्या ये बातें समझ में आ रही, क्या ये सर समझ में आ रही सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ठीक है, चलो ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्यारे बच्चों, मेरा जो उद्देश्य है वो पढ़ना है न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, सेकेंड लॉ मोशन, इसका एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है इसीलिए लगता है कम से कम 16 से 17 लेक्चर के बीच लगता है, सिंपल सा बात है। तो सीरियस न्यूटन फोर्स की बात करूँ तो ये सारा कुछ हो गया है। अब मैं आज का जो टॉपिक है वो है, मतलब अभी जो मैं जा रहा हूं पढ़ाने के लिए, एक बातें हैं जो फिजिक्स में अक्सर आएगा वो है नेट फोर्स। क्या है वो, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स मतलब ऐसा चीज, ऐसा मतलब फोर्स जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो हो, अगर नेट फोर्स जीरो हो तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड फोर्स। अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो सबसे सही रहेगा और आगे जाके तुम्हें आसान लगेगा। तो जहां पे नेट फोर्स जीरो हो उसे रिजल्टेंट फोर्स ही बोलते हैं हम। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो उसे क्या बोलेंगे, फोर्स जो है
वो बैलेंस्ड है, मतलब बैलेंस्ड फोर्स है। और जहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स है प्यारे बच्चों, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो आएगा। एक बात और है, अगर लिखा हुआ है कि नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है ना वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। कैसा फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। और जहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वहाँ पर कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, वहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन होता है। कब? जब वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है तब। सिंपल सा बात है। तो ये है नेट फोर्स का कुछ बातें हैं जो बच्चों को दिक्कत होता है। देखो दो फोर्स आएगा, एक तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स और एक बोलूंगा मैं एक्सटर्नल फोर्स। नेट फोर्स तो ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है। एक होगा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो फोर्स मैं लगाऊंगा, जो फोर्स तुम लगाओगे, वो सब क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा बात है, ये सब बातें सभी को आता है। चलो अब जो हम लोग का हेडिंग है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या हेडिंग है? न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। कोई पूछता है कि मुझे बता दो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तुम्हें पता है, तुम नाइन्थ में ये चीज़ें रट रखे हो, मुझे पता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, मैं इसका स्टेटमेंट कभी भी नहीं लिखूंगा, सिंपल सा बात है, कभी इलेवेंथ में आता ही नहीं, ठीक है? तो सुनना, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इट विल रिमेंस इन रेस्ट। इट विल रिमेंस इन रेस्ट, वो हमेशा किस में रहेगा? तो रेस्ट पे ही रहेगा, जब तक कि नेट फोर्स क्या लगे इस पे? जीरो लगे। अरे अगर सोचो रेस्ट पे नहीं रहेगा, तो अगर रेस्ट पे है, रेस्ट पे नहीं रहा तो मतलब फोर्स लगेगा, है कि नहीं? तो फोर्स अगर जीरो है मतलब ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने के लिए वो चाहेगा जब तक कि नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। अगर कोई बॉडी मोशन में हो, मान लो जैसे 20 मीटर पर सेकेंड हो, तो इट विल रिमेंस इन सेम स्टेट ऑफ मोशन। इट विल रिमेंस इन सेम स्टेट ऑफ मोशन, मतलब उसी मोशन के अवस्था में रहेगा। अब कहो सर सेम स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो सेम स्टेट ऑफ मोशन मतलब ये हो गया कि अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये हमेशा इसका स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट स्पीड रहेगा, मतलब सेम स्पीड रहेगा। और अगर सेम स्पीड रहा तो नेट फोर्स भी क्या लगेगा? जीरो लगेगा। तो प्यारे बच्चों अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने के लिए चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसी मोशन के स्टेट में रहने के लिए चाहेगा जब तक कि नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। तब अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो ये इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ ये रेस्ट पे हमेशा नहीं रहेगा। यही क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है क्या? यस सर। अब देखो क्या करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट बेसिकली एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। कौन? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब तुम कहो सर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया तीन टाइप का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो तुम नाइन्थ में पढ़ रखा है। एस चंद के बुक में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं कहूँ तो इसको बता दूँ थोड़ा सा, हल्का सा डिटेल में हल्का सा देता हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम में ये बात नहीं आता है। सिंपल सा बात, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना? तो क्या एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, थोड़ा देखते हैं, करते हैं। देखो क्या एग्जाम में आता है। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया की बातें मैं करता हूँ, थोड़ी सी बातें करूँगा मैं, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल नहीं जाऊँगा। लॉ ऑफ इनर्शिया तीन टाइप का होता है। इनर्शिया जो है वो तीन टाइप का होता है। वो क्या क्या होता है सुनना। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वही बात है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट रहने के लिए हमेशा चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसी मोशन के स्टेट में रहने के लिए चाहेगा, वही बात है वह। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में रहने के लिए चाहेगा, वो क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। बातें समझ में आया क्या? यस सर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ? जैसे मान लो एक कोई ऐसा ग्लास ले लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा देखना, ऐसा ग्लास ले लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कोई स्ट्रीप रख दो और इस पे सिक्का रख दो, ठीक है, सिक्का रख दिया। अब क्या करो, इसे तुम पुल कर लो,
पुल जब करोगे तो देखो सिक्का भी रेस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। पुल जब होगा तो सिक्का क्या हो जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। क्यों नीचे की ओर गिरा, मुझे पता है ये रेस्ट में था, ये हमेशा रेस्ट में रहने के लिए चाहेगा, इसलिए वो नीचे गिर गया। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, तुम क्या करो, चलती बस में, मान लो बस है, यहाँ पर गेट है, मान लो मोशन में बस है, तुम क्या करो, चलती बस में तुम उतर जाओ, तो जब उतर जाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगेगा। अगर तुम उतर के तुम रुक गए तो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगेगा और तुम गिर जाओगे। इसीलिए बोलता है अगर चलती बस में अगर मैं उतर जाऊं तो बस के साथ साथ मेरा भी कुछ वेलोसिटी होना चाहिए आगे की ओर, ताकि 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 मेरे पे कोई फोर्स ना लगे, मैं इंजर्ड ना हो, मेरा एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, इसीलिए इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी जो बॉडी यहाँ पे था वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहने के लिए चाह रहा था, लेकिन जैसे ही नीचे उतरा उस पर फोर्स लग गया और वो गिर गया। ठीक है क्या, तो प्यारे बच्चों ये इनर्शिया ऑफ मोशन एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या एग्जांपल है, देखो मान लो कोई ऐसा व्हीकल है, ठीक है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है, जैसे ही ये सर्कुलर पाथ आएगा देखोगे आदमी पे फोर्स इधर की ओर लगेगा। अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ है वैसे उस पे फोर्स लगा, तो ये क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहने के लिए वो चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। सिंपल से ये इसका एग्जांपल है मैंने दिया, जो तुम्हें समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो 4 kg का बॉडी है और एक 8 kg का बॉडी है, मुझे बताओ किसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि इसको थोड़ा सा मूव करने में जो फोर्स F1 का रिक्वायरमेंट होगा वो F2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 4 kg है। और जिसमें फोर्स ज़्यादा लगे उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, मतलब इनर्शिया जो होगा 8 kg का वो किससे ज़्यादा होगा, तो इनर्शिया जो होगा 8 kg का वो 4 kg से ज़्यादा होगा। प्यारे बच्चों समझ आया नहीं आया, यह सब समय में आ गया। अगर कोई बोलता है कि मुझे बताओ इनर्शिया का रेशियो क्या होगा, तो सोचो इसको 1 इसको 2 मान लिया, तो जितना मास ज़्यादा इनर्शिया, मतलब मास का रेशियो ही इनर्शिया का रेशियो देगा, कितना है, तो 8/4। सही है क्या, क्या दे देगा, 1/2 रेशियो, कितना आएगा इनर्शिया, 1/2 रेशियो आएगा। समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत बोलो इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों सुनना, तुम्हें मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ इनर्शिया को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, जो बिल्कुल ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करने से पहले दो बातों का मैं तुम्हें रिमाइंड करवाने के लिए चाहता हूँ। एक तो है मोमेंटम, क्या है प्यारे बच्चों, मोमेंटम, तुम्हें पता है मोमेंटम क्या होता है, ये सब पता है। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मतलब किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी वी है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी, और किसी बॉडी मतलब यही बॉडी अगर रेस्ट पे आ गया हो, रेस्ट पे, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। ये मोमेंटम होता है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई अगर बॉडी है टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, मान लिया कि एम मास का इसका स्पीड यू है, और मान लो कुछ समय के बाद इसका स्पीड वी हो जाता है, कुछ समय के बाद मतलब टी सेकेंड के बाद, टी बराबर टी सेकेंड के बाद स्पीड वी हो जाता है, तो मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, तो मास इंटू यू, यू वेलोसिटी है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर वी वेलोसिटी है, कोई बात नहीं, और पी फाइनल क्या हुआ, तो एम इंटू वी। कोई बोलता है मुझे बता दो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, प्यारे बच्चों तो चेंज इन मोमेंटम मुझे पता है कि सर चेंज इन मोमेंटम जो होता है डेल पी, वो क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम मान लो एक समय स्पीड यू था, अब वी हो गया, है कि नहीं, ये बात कुछ अलग था, अगर वेलोसिटी वी है ना, और ये बात कुछ अलग है, ये एक कोई ऑब्जेक्ट था मास एम था वेलोसिटी यू था, अब वेलोसिटी वी हो गया है टी सेकंड में, तो मुझे बता इनिशियल मोमेंटम तो एम यू है और फाइनल क्या है, एम वी। कोई बोला चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा, एम वी माइनस एम यू, मतलब एम कॉमन ले लो तो वी माइनस यू।
समझ में आ रहा है क्या? ये v है और ये माइनस यू है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? v माइनस यू। तो क्या तुम्हें मोमेंटम के बारे में था पता है सब? ये सब पता है सर। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये तो ये फॉर्मूला हो गया, ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। सर नाइन्थ में हो रखा है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एस आई यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों? तो एस आई यूनिट जो होगा, सोचो एम वी, तो के जी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया बोलो। यस सर, समझ में आ गया सर। तो चेंज इन मोमेंटम हो, चाहे वो वेक्टर क्वांटिटी हो, चाहे वो उसका यूनिट हो, कुछ भी निकालना हो, फॉर्मूला मुझे सब कुछ पता है, चेंज इन मोमेंटम में निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे मोमेंटम आ गया तो मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आराम से डील कर सकता हूँ। अब कोई बोले कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो वो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो तो प्यारे बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, करते हैं, देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि स्टेटमेंट, चलो मैं लिखता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जो मोमेंटम चेंज आएगा उसी डायरेक्शन में आएगा मोमेंटम चेंज, जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब क्या हुआ सुनना पहले, रेट मतलब होता है, रेट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। मोमेंटम का चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, इसलिए लिखा इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है क्या? यस सर। तो क्या लिखा गया, फोर्स बराबर के डेल पी अपॉन डेल टी, अल्टीमेटली के का वैल्यू वन लिया गया है, उस समय साइंटिस्ट का मन था, जो मन था वो ले लिया, एफ इक्वल टू क्या आ गया, डेल पी बाय डेल टी। ये फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगा है, अब थोड़ा सा फील करना ये कौन सा फोर्स है, थोड़ा देखना, एम अगर हो, ठीक है, स्पीड यू हो टी इक्वल टू जीरो पे, और इसका स्पीड अब वी हो गया हो, क्या हो गया हो, वी हो सकता है, स्पीड इंक्रीज हुआ होगा, हो सकता है स्पीड डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर फोर्स मैंने यहाँ लगाया तो स्पीड इंक्रीज करेगा, अगर फोर्स मैंने यहाँ लगाया उल्टा तो स्पीड डिक्रीज करेगा। तो मुझे ये नहीं पता कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा है या ये कम है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर वेलोसिटी चेंज हुआ, कहीं ना कहीं इस पर फोर्स लगा, फोर्स लगा मतलब क्या हुआ, फोर्स लगा, अब सोचो वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज जहां पे होगा वहां पे मोमेंटम भी चेंज होगा, जहां पे सही मायने में देखो तो स्पीड चेंज है, जहां पे स्पीड चेंज है वहां पे मोमेंटम चेंज होगा ही होगा, और जब मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लगा होगा अभी तो वेलोसिटी चेंज हुआ। यस सर। तो मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या है प्यारे बच्चों, एम यू, फाइनल मोमेंटम क्या है, एम वी। तो मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो चेंज इन मोमेंटम है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस यू। समझ में आया क्या? यस सर। अब थोड़ा सा रख के देखो, डेल पी अपॉन डेल टी में रखो, डेल पी कितना है, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये टी टाइम टी, ये जीरो टी माइनस जीरो, तो टी एम वी माइनस यू बाई टी। मुझे बताओ v माइनस यू इक्वल टू ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नाइन्थ में पढ़ रखा था और 1D में भी हो रखा है, तो v माइनस यू अपॉन टी बराबर एक्सलेशन, मतलब फोर्स क्या आ गया प्यारे बच्चों, मास इंटू एक्सलेशन, यही क्या है एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
फोर्स इक्वल टू एम ए और एक फोर्स इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, दो फॉर्मूला है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें समझ में आ नहीं आ रहा? यस सर, समझ में आ रहा है सर। तो प्यारे बच्चों, दो फॉर्मूला है, एक एफ इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी और एक एफ इक्वल टू एम ए, दो फॉर्मूला जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो तो प्यारे बच्चों, चलो तो देखो, तो जहां पे वेलोसिटी चेंज होगा वहां पे मोमेंटम चेंज होगा, और जहां मोमेंटम चेंज होगा वहां पे जरूर ही फोर्स लगेगा। वही फोर्स का फॉर्मूला जो होता है डेल पी अपॉन डेल टी और एक फोर्स इक्वल टू एम ए, दो एक्सप्रेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। अब थोड़ा देखना क्या एग्जाम में क्या आता है उसकी बातें थोड़ा करते हैं। देखो, अगर तुमसे ये बोल दे, एक मैं आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, तुमसे ये बोल दे कि मुझे बताओ, तुमसे देखो ये नाइन्थ का क्वेश्चन है जो तुम्हारे लेवल से बिल्कुल आसान है, तुम्हारे लेवल में। कैसे देखना, कैसे देखना एक बार। मान लो दो केजी का ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टी इक्वल टू 0 सेकेंड में ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका स्पीड कुछ समय के बाद देखा गया हो गया है 40 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना स्पीड हो गया है? 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहीं ना कहीं इस पर फोर्स लगा होगा, इसीलिए स्पीड क्या किया, इंक्रीज किया। तो बोलता है कि बताओ, फाइंड एवरेज फोर्स, कितना फोर्स लगा होगा बॉडी पे। फाइंड एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉडी, बॉडी पे एवरेज फोर्स कितना लगा, ये बातें पूछ रहा है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, और मोमेंटम चेंज हुआ मतलब कहीं ना कहीं इस पर फोर्स लगा ही, मतलब फोर्स कहीं ना कहीं लगा, है ना। सिंपल सा बात है, फोर्स कहीं ना कहीं लगेगा ही, ठीक है। तो एवरेज फोर्स क्या आएगा, सिंपल सा बात है, मुझे पता है। मैं अगर ऐसा बताऊं, एवरेज फोर्स, इसको एवरेज फोर्स मैं बोलता हूं, किसको, डेल पी बाय डेल टी को। ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एवरेज फोर्स होता है, ठीक है। जो होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, एवरेज फोर्स, ठीक है ना। एवरेज फोर्स ही इसको बोलते हैं यार, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो पी फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम कितना है, 2 सेकेंड। P फाइनल कितना है, एम वी माइनस यू, एम वी माइनस एम यू, कोई दिक्कत नहीं। मास कितना है, 2 अपॉन 2। V कितना है, एक में 40 माइनस 20, कोई बात नहीं, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया, 20 न्यूटन। कितना लग जाएगा, 20 न्यूटन लग जाएगा। सिंपल सा आंसर है। अब तुम कहो सर नहीं सर, अब नाइन्थ के लेवल में बताओ, तो नाइन्थ लेवल में ऐसा कर दो, सुनना पहले, वी माइनस यू बराबर 80, वी पता है 40 माइनस 20, ए निकालना है 2 सेकंड में, ये ए कितना आ जाएगा, तो 20/2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो मास कितना, 2 और 10 कितना आ गया, 20 न्यूटन। या तो नाइन्थ के मेथड से कर दो, या तो अपना मेथड से कर दो, चेंजिंग मोमेंटम अपॉन चेंजिंग टाइम, वो क्या देगा, एवरेज फोर्स देगा। बातें समझ में आया क्या, इसमें कोई हार्ड की बात है ही नहीं, सिंपल सा बात है। चलो तो प्यारे बच्चों क्या है, दो फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स अगर बोले तो मैं लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, और एक होगा किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे फोर्स जानना है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे फोर्स जानना है तो मैं क्या लिखूंगा, डीपी बाय डीटी। मैं क्या लिखूंगा, डीपी बाय डीटी। फोर्स एवरेज क्या होगा, डेल पी बाय डेल टी, और किसी भी इंस्टेंट पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, डीपी बाय डीटी। मतलब सोचो डीपी बाय डीटी क्या है, तो सर इसे ही मैं बोल सकता हूं, स्लोप ऑफ पीटी, डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। 11th में यही तो चीजें हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पीटी, वो स्लोप ऑफ पीटी क्या देगा, तो वो फोर्स देगा, क्या देगा, किसी भी इंस्टेंट पे फोर्स देगा, वो किसी भी इंस्टेंट पे क्या देगा, फोर्स। तो दो बातें हैं, एक तो एवरेज है और एक इंस्टेंटेनियस फोर्स है। तो एवरेज फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, और किसी भी इंस्टेंट पे फोर्स क्या होता है, तो डीपी बाय डीटी। तो प्यारे बच्चों यहां से एक बात और निकल के आएगा, वो क्या आएगा, सुनना यहां से। मुझे पता है कि एफ किसी भी इंस्टेंट पे डीपी बाय डीटी है, ठीक है, स्लोप ऑफ पीटी है, कोई बात नहीं, मैंने फिर से एक बार लिख लिया, स्लोप ऑफ पीटी क्या देगा, तो फोर्स देगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं डीपी और एफ डीटी कर दूं, और मैं अगर इंटीग्रेशन लगा दूं, तो ये क्या देगा, डीपी का इंटीग्रेशन क्या देगा,
सोच एक बार, तो ये देगा सर, ये देगा चेंज इन मोमेंटम। ये क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो होगा, जो डीपी जो होगा, डीपी चेंज इन मोमेंटम, वो क्या देगा? एफ डी टी का इंटीग्रेशन, मतलब एरिया ऑफ एफ टी इंटीग्रेशन क्या देता है? तो एरिया देता है। क्या ये बातें समझ में आया तुम्हें? क्या चेंज इन मोमेंटम क्या देगा? तो एरिया ऑफ एफ टी वो कहाँ से आया? यहाँ से आया प्यारे बच्चों। और एफ बराबर डी पी बाई डी टी, मतलब स्लोप ऑफ पी टी क्या देगा? तो फोर्स देगा। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा? क्या ये सब मुझे याद रहेगा प्यारे बच्चों? जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि सर बताओ मोमेंटम पी वर्सेस टी है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसा दे दिया, एक ग्राफ ऐसा दे दिया है, वन और टू, किसी बॉडी पे किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज ऐसा आ रहा है और दूसरे बॉडी पे ये मोमेंटम चेंज ऐसा आ रहा है, तो मुझे बताओ कौन सा बॉडी पे फोर्स ज्यादा लग रहा है? तो सिंपल सा बात है, जिसका स्लोप ज्यादा हो। स्लोप ज्यादा किसका है? तो वन का स्लोप क्या है? ज्यादा है। किससे? स्लोप टू से ज्यादा है। इसीलिए क्यों? देखो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है यार टेन थीटा। थीटा कहाँ से बनेगा? तो टाइम वाला एक्सिस से थीटा, ठीक है ना? क्यों? पी टी ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है? एक्स एक्सिस से हमेशा मेजर होता है, एक्स एक्सिस से एंगल मेजर होता है। तो स्लोप किसका ज्यादा है? टेन थीटा ज्यादा किसका है? वन का। तो सबसे ज्यादा फोर्स किसका होगा? वन का। तो वन का फोर्स टू से क्या होगा प्यारे बच्चों? ज्यादा आएगा। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर आ गया। सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, मान लो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर सिंपल सा एक अगर ऐसा होता, मान लो अगर मैं एक ग्राफ बनाता ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ बताना मुझे? इसका मतलब एक ग्राफ ऐसा बनाया, बताओ इसका मतलब किसी बॉडी पे जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ये कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। किसी एक बॉडी पे ये फोर्स कैसा लग रहा है? कांस्टेंट, क्योंकि हर जगह स्लोप क्या आएगा? तो हर जगह स्लोप सेम आएगा सर, इसीलिए फोर्स क्या लगेगा? मतलब स्लोप अगर सेम हो हर जगह, मतलब फोर्स क्या होगा? सेम होगा। स्लोप ही क्या देगा? फोर्स देगा। सिंपल सा बात है, स्लोप हर जगह फोर्स क्या आएगा? कांस्टेंट। मतलब पीटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन हो तो मुझे पता चल जाएगा किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? कांस्टेंट फोर्स। अगर ये ऐसा बात ऐसा दे दे कि मुझे बताओ किसी बॉडी पे कैसा, मान लो किसी बॉडी का मोमेंटम ऐसा गिवन है, तो क्या कहोगे? इसको अच्छे से बनाओ थोड़ा। मान लो ऐसा गिवन है, ऐसा, तो क्या कहोगे? सर यहां देखो तो स्लोप, देखो यहां पे स्लोप क्या है? जीरो। यहां पे स्लोप ऐसा है, यहां पे स्लोप ऐसा है, यहां पे स्लोप हायर, देख लो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसमें फोर्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये फोर्स कैसा है? तो वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? ये वेरिएबल। अगर ग्राफ ऐसा दे दे प्यारे बच्चों, पी और टी के बीच ऐसा ग्राफ दे दे, इसका मतलब क्या हुआ? देखो तो यहां स्लोप ज्यादा, यहां स्लोप कम। देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे स्लोप ऐसा है। स्लोप क्या हो रहा है? तो कम होते जा रहा है, यहाँ पे स्लोप जीरो है। यहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स घट रहा है। यहाँ भी फोर्स वेरिएबल ही है, लेकिन फोर्स घट रहा है, मतलब स्लोप घट रहा है। यहाँ पे स्लोप क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो फोर्स इंक्रीज, यहाँ पे फोर्स डिक्रीज मोमेंटम में। ये बातें समझ में आए ना यार? यस सर समझ में आ गया सर। तो मोमेंटम फोर्स ऐसी बातें करता है, अगर ये तुम्हें याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये याद हो गया ना तो समझो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सोचो एग्जाम में क्या बातें आता है सर, एग्जाम में मुझे बताओ सर क्या क्वेश्चन आता है, वो थोड़ी सी बातें करते हैं। बस लगभग तीन चार एग्जाम्पल करेंगे और लेक्चर समाप्त करेंगे, तीन चार एग्जाम्पल ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखो मान लो एग्जाम्पल कर रहे हैं, थोड़ा सुनना। बोलता है इफ मोमेंटम of a body is given by मान लो momentum given by p vector equal to cos omega t i cap plus sin omega t j cap। कोई बात नहीं, ऐसा बोलता है कि find force। कोई बात नहीं, वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड फोर्स इन टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा सेकेंड पे बताओ कितना फोर्स लगेगा। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मोमेंटम कितना है, तो मोमेंटम है कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। कोई बात नहीं,
तो टी यहाँ पे टाइम है और पी मोमेंटम है, इसे क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं, तो ये क्या देगा फोर्स देगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि मुझे पता है स्लोप जो होता है डी पी बाई डी टी मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा फोर्स, कोई बात नहीं वेक्टर हो तो वेक्टर देगा उसमें क्या दिक्कत है, अगर वेक्टर नहीं होता तो कोई बात नहीं वो भी देता, इसका क्या होगा कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा क्योंकि ओमेगा यहाँ पे है, प्लस साइन का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप, तो फोर्स क्या आ गया है, तो फोर्स आ गया है सर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स कितने टाइम पे बोल रहा है, तो प्यारे बच्चों देखो कितने टाइम पे बोल रहा है, तो मैं निकाल सकता हूँ कितने टाइम बोल रहा है पाई बाय ओमेगा, तो तुम क्या करो तुम चाहो तो ये वेक्टर के फॉर्म में जैसे, तो इसका क्या करो मैग्नीट्यूड निकालो, क्या कर लो मैग्नीट्यूड, क्या आएगा मैग्नीट्यूड में, तो ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये कितना आ जाएगा तो ये वन आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर, देखो टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम से क्या इंडिपेंडेंट, पाई बाय ओमेगा का कोई यूज नहीं होने वाला, समझ आया। अगर ये निकालने बोलेगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कोई यूज होने वाला है क्या, नहीं सर कोई यूज नहीं, तो ओमेगा कितना आंसर आया ओमेगा न्यूटन आ गया, ओमेगा न्यूटन क्या आ गया तो फोर्स आ गया, समझ में आया मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है क्या कोई दिक्कत इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस सर हो जाएगा सर, मान लो तुमसे ऐसा एग्जाम्पल दे दिया है, मान लो कि मोमेंटम ऐसा दे दिया है, देखो मान लो ऐसा दे दिया मोमेंटम, मान लो फोर्स निकालना है टी इक्वल टू वन सेकेंड पे, मान लो दे दिया है मोमेंटम बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू, तो क्या करो कुछ नहीं फोर्स बराबर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं, टू टी माइनस वन, ठीक है हो गया फोर्स कितना आ गया 2t माइनस वन आ गया सर, वन सेकंड पे फोर्स निकालना है तो 2 इंटू वन माइनस वन कितना आ गया वन न्यूटन आ गया सर, मतलब वन सेकंड में क्या आएगा वन। अच्छा ये फोर्स क्या है, तो ये फोर्स सर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि टाइम जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, ठीक है सिंपल सा बात है, ऐसा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और करता हूँ सुनना, बोलता है कि कोई ये क्वेश्चन ITJEE में आ रखा है, किसमें आ रखा है ITJEE में, और ये नीट में भी आने का चांस होता है इस क्वेश्चन का, तो सुनना अच्छे से ITJEE में। बोलता है कोई ग्राफ किसी बॉडी का ग्राफ दिया हुआ है एफ वर्सेस टाइम, और दिया हुआ ऐसा ग्राफ, देख तो ऐसा ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, देखो ये दो सेकेंड ये चार सेकेंड ये चार न्यूटन, ठीक है। बोलता है क्वेश्चन में सारा कुछ गिवन है, टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो है, पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो है 20 केजी मीटर पर सेकंड, कब टी इक्वल टू जीरो पे, अब बताओ टी इक्वल टू फोर सेकंड पे पूछेगा पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, तो कुछ नहीं मुझे पता है कि सर जो चेंज इन मोमेंटम जो होगा, चेंज इन मोमेंटम वो क्या देगा एरिया ऑफ एफ टी देगा, ये मैंने अभी लिखाया है लिखाया है वो बात है कैसे मुझे पता है एफ बराबर डी पी बाय डी टी, तुम कहो सर मुझे ये पता नहीं है आप सर बेसिक से मुझे बना के दिखा दो, तो चलो कोई बात नहीं बेसिक से बना के, अगर ये तुम्हें याद है ठीक है, अगर नहीं याद है तो वो भी मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, थोड़ा सीखना। फोर्स बराबर डी पी अपॉन डी टी मुझे पता है, मुझे कोई समस्या वाली बात नहीं है, डी पी क्या लिखूंगा तो एफ इंटू डी टी, ठीक है मतलब एफ यहाँ वेरिएबल होना चाहिए कोई बात नहीं। अच्छा एफ डी टी P इनिशियल से P फाइनल, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। T इक्वल टू जीरो से मतलब यहाँ से T इक्वल टू फोर सेकंड यहाँ तक है, मतलब एरिया ऑफ FT जो देगा, एरिया ऑफ FT वो क्या देगा, तो DP का इंटीग्रेशन क्या होता है P, और P इनिशियल से P फाइनल वो क्या देगा एरिया ऑफ FT देगा, एरिया ऑफ FT, समझ में आ नहीं आ रहा, यस सर चेंज इन मोमेंटम, अच्छा P फाइनल माइनस P इनिशियल, इसी को क्या बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, जो क्या देगा एरिया ऑफ एफ टी देगा। अगर तुम्हें याद है कि एरिया ऑफ एफ टी क्या देगा चेंज इन मोमेंटम देगा, तो कोई बात नहीं डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, वो क्या बन चेंज इन मोमेंटम क्या है P फाइनल निकालना है, मास दिया हुआ है बॉडी का मास है 1 kg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 × V, ठीक है कोई बात है मुझे निकालना, सॉरी मुझे क्या निकालना फाइनल मोमेंटम, कोई बात नहीं मास का कोई यूज ही नहीं,
पी इनिशियल कितना है 20, एरिया बता दो कितना है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया कितना 2 × 4 है ना, क्योंकि बोलता है 0 सेकंड से 4, यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम 4 है, तो पूरा एरिया लेना पड़ेगा। अगर बोलता 2 सेकंड पे कितना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही एरिया लेता मैं, यहाँ तो लेना पड़ेगा क्योंकि 4 सेकंड बोल रहा है, प्लस हाफ इंटू बेस कितना है ये 2 × हाइट कितना है ये 10, तो कितना बच गया देखो 10 8, पी माइनस 20 बराबर 8 + 10 18, तो पी बराबर कितना हो गया 38 kg मीटर पर सेकेंड। ये वो मोमेंटम है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे मोमेंटम क्या है 38 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन ITJEE में भी आता है प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आया सर। क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? यस सर अब बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट क्वेश्चन, सुनना। बोलता है कि इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is given by force equal to t square, ऐसा given है ठीक है। बोलता है find average force, क्या बोलता है average force on the body at t equal to 2 second, या तो average force acting on a body in first 2 second, first 2 सेकंड बोलता है फर्स्ट 2 सेकंड में बताओ एवरेज फोर्स कितना लग रहा होगा। अब बताओ एवरेज फोर्स क्या होता है? तो सर एवरेज फोर्स तो सर होता है डेल पी अपॉन डेल टी सर, यहां तो ऐसा बात तो है ही नहीं, यहां तो एफ बराबर टी स्क्वायर है, ये क्वेश्चन तो मेरे से होगा नहीं। अब सुनना मैंने अभी सिखाया चेंज इन मोमेंटम क्या देता है, एरिया ऑफ एफ टी मतलब इंटीग्रेशन क्या देता है एफ डी टी का, एरिया ऑफ एफ टी एफ डी टी इंटीग्रेशन, तो एफ वेरिएबल क्या यहां पे है टी स्क्वायर डी टी, अरे एफ बराबर टी स्क्वायर है कि नहीं, ये सर फर्स्ट 2 सेकंड मतलब 0 से 2 सेकंड, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया प्यारे बच्चों टी क्यूब बाय 3, 0 से 2 तो 1/3 ठीक है, 2 का क्यूब है ना 1/3 बाहर लीजिए, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब कितना बन गया 8 का क्यूब, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया 8 का 3 इंटू डेल टी कितने समय में फर्स्ट 2 सेकंड में कितना आ गया तो 4/3 न्यूटन फोर्स लगेगा एवरेज फोर्स। क्या ये बातें समय में आई क्या? ये सर समय में आ गया। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहाँ तक, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करो यार थोड़ा प्लीज़, है कि नहीं, तुम्हें अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो मत करो ठीक है क्या। चलो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।